हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पावर स्टार लोग बोलते हैं पवन सिंह को। जी जी। और पवन जी आरा के रहने वाले, आरा जिला घर बात है कोना बात के दरबा जी, उनके बारे में क्या विचार बा? देखिए आदरणीय बड़े भैया भोजपुरी के एक स्वर सम्राट हैं, हम उनको बहुत मानते हैं और भैया का जवाब नहीं है। भैया बहुत ही अच्छे इंसान हैं, दिल का राजा हैं और भोजपुरी में उनका एक अलग पहचान है, वो अलग ही है और उनका जितना बड़ाई किया जाए कम है। और हमारे दिनेश लाल यादव के बारे में क्या बोलना है? अरे हमारे दिल के करीब और बहुत ही मैंने लगाव एक है, क्योंकि सौगंध फिल्म मैंने किया, शुरुआत जब मैं पिक्चर में आया खड़ा हुआ तो कैमरे पे सामने खड़ा हुआ तो उन्हीं के साथ हुआ, ये मेरा भाग्य है। सौगंध फिल्म में मैंने काम किया, दोस्त का रोल किया था और उसी में मुझे बहुत प्यार दुलार दिए, बहुत कुछ सिखाए भी और हमको तो कुछ समझ में नहीं आता था तो बहुत कुछ सीखता था, देखता था, बहुत सुलझे इंसान है। देखिए लाइन तो पहले नंबर की ये तो सच्चाई है, गांव से आए हैं तो लाइन तो मारेगी नहीं कोई, मामला ये जो सच्चाई है लाइन आप मारते हैं तो हम लोग दूर दूर से देख के थोड़ा बहुत आनंद ले लेते हैं, लाइन सीख लेते हैं तो क्या कर सकते भाई, बोल भी नहीं सकते ना भाई, सीनियर आर्टिस्ट लोग हैं और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है समझ में नहीं आता तो सब मामला को समझना पड़ता है। अभी गाना कौन सा रिलीज हो रहा है बताएंगे? अभी एक वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी से गाना है बॉयफ्रेंड रख ले बड़ू का, मुखड़ा इसका है। यही एज में भइलु इतना ट्रेंड, बॉयफ्रेंड कहीं रख ले बड़ू का, लागे लव कहीं करता रू सेंड, बॉयफ्रेंड कहीं रख ले बड़ू का, मुस्की मुहावे कहे चेहरा के लाइट, केकरा संगे होता गुड मॉर्निंग गुड नाइट। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, हमारे जो गाने आपके श्रोता है जी जी, सबसे ज्यादा श्रोता सुनने वाले हैं ऑटो के, रिक्शा वाले, ट्रक वाले, घुमटी पे, बस में, इन सभी को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले कि हम लोग गाना मर्सिडीज में या जुगवार में कम बजता है, मर्सिडीज में या जुगवार में कम बजता है, शायद अब बाई दफे कोई कोई बज गया सो बज गया, लेकिन ये जो लोग हैं हमारे भाई ऑटो चाहे जो भी हमारे, ये लोग हमारे ओरिजिनल श्रोता हैं, ओरिजिनल गार्जियन हैं, यही लोग ओरिजिनल प्यार देते हैं तो हम इन लोगों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे और इन लोगों के लिए मैं खड़ा रहूँगा, अपना जितना प्रयास होगा मैं मनोरंजन कराने के लिए जो भी है मैं करूँगा। इसी के साथ प्रणाम कर रहा हूँ और गलती सही भाई लोग हैं, सब श्रोता समाज से माफ़ी मांगल चाहते हैं। जय भोजपुरी।